सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल वीडियो। आज के वीडियो में मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ स्टॉप दी पैड, जो कि एक LSPD FR मोड का एक प्लगइन है एंड इट इज़ अ वेरी नाइस प्लगइन। क्योंकि भाई अगर हम इस प्लगइन की बात करें तो भाई बहुत ही इंटरेक्टिव प्लगइन है। और स्टॉप दी पैड बेसिकली आपको क्या करता है कि अगर आप रास्ते पर किसी ट्रैफिक स्टॉप कर रहे हो या फिर किसी बंदे को पकड़ रहे हो तो उससे ये क्वेश्चन पूछेगा, उनका टेस्ट लेगा अगर उन्होंने अल्कोहल पिया है या नहीं, अगर उन्होंने कुछ गलत चीज़ की है नहीं, उनको चेक करेगा, सब कुछ करेगा। ठीक है, LSPD FR का जो वेनिला जो होता है पैड को स्टॉप करना वगैरह, पर उसमें काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। बट ये स्टॉप द पैड एक ऐसा प्लगइन है जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। आप यहाँ पे खुद फोटो के अंदर देख सकते हो भाई, आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप स्टॉप द पैड कैसे इंस्टॉल कर सकते हो इन योर GTA 5 LSPD FR। तो ऑब्वियसली बेसिकली आपको उसके लिए रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो भाई LSPD FR आपकी गेम में इंस्टॉल रहना चाहिए। भाई मेरा जो गेम है वो है लेटेस्ट वर्जन का गेम है और लेटेस्ट वर्जन के अंदर मैंने मॉड करके रखा हुआ है LSPD FR भी एंड इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। अगर आपको लेटेस्ट वर्जन पर LSPD FR इंस्टॉल करना है, मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो कवर कर लिया है। यहाँ पर आपको आई बटन के ऊपर उसकी लिंक दिख जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो चलो भाई बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। हम लोग को भाई यहाँ पर सबसे पहले विजय जो प्लगइन्स की साइट के ऊपर जाना है, ये लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ये है स्टॉप दी पैड की लिंक। हमें यहाँ से एकदम नीचे जाना है पेज के और ये जो डाउनलोड बटन आपको दिख रहा है उसके ऊपर हमको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे डाउनलोडिंग प्रोसेस ये कर रहा है। कई बार इंटरनेट मेरा स्लो हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये रहा स्टॉप दी पैड और एक्चुअल में मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, बट कोई बात नहीं भाई, इसने रिप्लेस नहीं किया, डबल डबल कर दिया। तो चलो भाई इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो ये है मेरी GTA 5 की डायरेक्टरी और ये है जहाँ पर मैंने स्टॉप दी पैड डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, स्टॉप दी पैड को इंस्टॉल करने के लिए भाई हम लोग यहाँ पे इसकी RAR को ओपन करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे स्टॉप दी पैड के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमको एक प्लगइन्स फोल्डर दिख रहा है और एक रेज नेटिव UI दिख रहा है। आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपने पहले कोई रेज नेटिव UI नहीं डाला हुआ तो आप ये वाला रेज नेटिव UI उठा के सीधा अपनी गेम के अंदर डाल दो, क्योंकि मैंने अभी तक रेज नेटिव UI नहीं डाला हुआ। अगर आपने रेज नेटिव UI डाला हुआ है तो आपका क्या सीन होगा, अगर आप जैसे ही इसको कॉपी करने जाओगे आपको यहाँ पे दिखाएगा। बट आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे कंपेयर के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है, कि ये वाला जो साइड होगा ये अपना लेफ्ट हैंड साइड, ये अपनी RAR का साइड होगा और ये राइट हैंड साइड जो होगा अपनी गेम का साइड होगा। अगर अपनी गेम का साइड वाला लेटेस्ट वर्जन है तो इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपका ये डायरेक्टरी वाला लेटेस्ट वर्जन का है तो उसका आप अपग्रेड कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से सबकी डेट देखनी है कि भाई कौन सा ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रेज नेटिव UI को कर दिया है इंस्टॉल। अभी हमको जाना है यहाँ पे प्लगइन्स फोल्डर के अंदर, एज यू कैन सी राइट हियर। और यहाँ पे भाई आप एक चीज़ नोटिस करो कि भाई LSPD FR फोल्डर तो है ही नहीं, तो हम लोग कैसे करेंगे कॉपी। भाई दिक्कत नहीं है, आपको सीधा ये LSPD FR फोल्डर लेना है और सीधा यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे आपका थोड़ा सा काम 70% ऑफ द वर्क यहाँ पे हो गया है। बट एक और चीज़ जो कि आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, जो कि हमको जाना है अपनी डायरेक्टरी के अंदर, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, इसकी हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेन डायरेक्टरी के अंदर जाना है अपनी GTA के और LSPD FR फोल्डर के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको keys.ini दिखेगा, इसको हमें ओपन करना है। नोट पैड से करो या फिर नोट पैड प्लस प्लस से करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पे नीचे जाने वाले को ढूंढना है ट्रैफिक स्टॉप इंटरेक्ट की, ये देख रहे हो ई ट्रैफिक स्टॉप इंटरेक्ट की, हमें इसको चेंज करना है विथ नन। ठीक है, ये कर दिया हमने और बस दैट्स इट। ये स्टॉप द पैड भी अगर आपको ये करना है तो भी आप कर सकते हो। अगर आप रास्ते में किसी बंदे को रोक रहे हो तो आप आराम से इसको भी चेंज कर लो, नन कर दो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमको डबल क्लिक करके ही करना है, तो इसको भी हम लोग कर देते हैं नन। ठीक है, दूसरी चीज़ जो कि हमको क्या करनी है कि हमको जाना है प्लगइन्स फोल्डर के अंदर LSPD FR और हमें ना स्टॉप दी पैड की जो INI है वो अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मेन की ऑफ दिस प्लगइन, यू विल हैव टू प्रेस इट ट्वाइस टू स्टॉप द पैड, क्योंकि हमको जो ई की है वो हमको डबल बार दबानी होगी जिससे हमारा पैड रुकेगा। फिर अगर व्हीकल्स का पैड्स का ऑप्शन चाहिए तो आपको यहाँ पे जी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन होगा। फिर अगर आपको परस्यूट करना है और टारगेट बनाना है तो हमको उसके ऊपर पहले गन पॉइंट करनी पड़ेगी एंड देन हमको टी दबाना पड़ेगा, जिससे जो दूसरे जो अपने ऑफिसर्स होंगे वो भाई उसके ऊपर अटैक दमेंगे। यहाँ पे देखो, अगर हमको टैकल करना है किसी पैड को तो हमें यहाँ पे भाई बैक स्पेस की दबानी है,
ठीक है। दूसरी यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम किसी टारगेट के पीछे भाग रहे हैं और हमें उसको पकड़ना है एकदम फास्ट, तो हमें भागते टाइम पे एंटर दबाना है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे कंट्रोल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, बट डोंट वरी, यहाँ पे अगर आप कंट्रोलर से खेल रहे हो तो कंट्रोलर के भी भाई यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से ये रीड भी आया ना पढ़ लेना है कि भाई कौन सा की क्या है वगैरह है। तो हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है स्टॉप दी पैड। चलो भाई गेम के अंदर जाके देखते हैं कि इज़ दिस मॉड रनिंग और नॉट। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग आ चुके हैं GTA 5 के अंदर। अभी हम लोग जाएंगे इनसाइड द पुलिस स्टेशन और हम लोग जाएंगे ऑन ड्यूटी, ठीक है। और फिर वहाँ से हम लोग लोड करेंगे अपने सभी प्लगइन्स और यहाँ पे हम लोग आएंगे, पहले जाएंगे ऑन ड्यूटी। और एज यू कैन सी राइट हियर, हम लोग अभी जाने वाले हैं ऑन ड्यूटी, ठीक है, गो ऑन ड्यूटी। ऑल राइट, तो ये अपने सभी प्लगइन स्कैन करेगा, देखेगा कि अपना, ये देखो यहाँ पे स्टॉप द पैड हैज़ बीन लोडेड, ओके। तभी हम लोग फटाफट से कपड़े पहन लेते हैं भाई अपने कॉप वाले, मैं कोई भी उठा रहा हूँ कपड़े। और पुलिस गराज की अभी फिलहाल हमें जरूरत, क्योंकि हमको बाहर से ऑलरेडी गाड़ी मिल जाएगी, बट ले लेते हैं भाई बाहर से अगर हमको गाड़ी नहीं मिली तो, ठीक है। तो फटाफट से ना हम लोग गाड़ी लेके निकलते हैं, सिलेक्ट एंड कंटिन्यू एंड लेट्स गो। तो अभी हम लोग ना बाहर जाएंगे और एक ट्रैफिक स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो लेट मी सी, अगर हमको ना एक बकरा ढूंढना है अभी कैसे भी करके, तो अच्छा वो ट्रक एकदम परफेक्ट रहेगा बकरे के लिए, तो हम लोग उस बकरे को रोकते हैं। सॉरी मैं बकरा बोल रहा हूँ, बट ठीक है। ये हमने यहाँ पे साइरन बजाया और हमने इसको रोकने का सिग्नल दिया हुआ है, पर ये रोकेगा तो बढ़िया है, नहीं रोकेगा तो भाई तू हमको फॉलो करना, ठीक है। ओके, तो सस्पेक्ट ने स्टॉप कर ली है अपनी गाड़ी, अभी हम उसके साथ पूछने जाएंगे। पर ये लोग क्या कर रहे हैं यार, आ जा भाई मेरे पीछे आ जा भाई। अभी ना हमने अपने सस्पेक्ट को बोल दिया कि तू हमारे पीछे आ, क्योंकि भाई यहाँ पे ना बहुत दिक्कत है ट्रैफिक का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे साइड पे रुक जाते हैं, यहाँ पे बेहतर रहेगा, यहाँ पे एकदम परफेक्ट फुटपाथ पे ही चढ़ा देता हूँ भाई, जब भी दिक्कत ही ना हो किसी चीज़ की। आ जा भाई, रोक दे रोक दे रोक दे। चलो भाई अभी हम लोग ना इसके पास जाएंगे और हम इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप द पैड का यहाँ पे आ चुका है आपके ऊपर एक नोटिफिकेशन। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड प्रेस ई की, तो ये देख सकते हो भाई यहाँ पे हमको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है। यहाँ पे देख सकते यू कैन स्मेल अ स्ट्रॉन्ग ओडर ऑफ अल्कोहल इनसाइड द व्हीकल, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम लोग उसका डॉक्यूमेंट वगैरह लेते हैं, ठीक है। हमको चाहिए सभी के सभी डॉक्यूमेंट, ओके। तो हमने यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंट ले लिए हैं, अभी हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ कैप पे जी प्रेस करना है। तो यहाँ पे मैं जी प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है। तो पहले ना एक काम करते हैं, यहाँ से जो भी गाड़ी जाएगी वो स्लो जाएगी, ठीक है। तो हमने उसको सेट कर दिया है। अभी दूसरी चीज़ हम लोग क्या करेंगे कि रिक्वेस्ट पैड चेक, तो हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, ये बंदा क्या सही है या गलत है, ठीक है। तो इस बंदे का लाइसेंस वगैरह सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। इसकी गाड़ी चेक करते हैं भाई, गाड़ी का क्या चक्कर है, ठीक है। ये टाको बेचता है ये बंदा, ओके। गाड़ी का भी कुछ सीन नहीं है, ठीक है। तो इसकी गाड़ी का भी कोई सीन नहीं है, इससे कुछ सवाल पूछते हैं हम लोग। पहले तो उसका ब्रेथलाइजर टेस्ट करते हैं, क्योंकि उसके पास से ना अल्कोहल की स्मेल आ रही थी, ठीक है। तो हम उसका ब्रेथलाइजर टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी भाई क्या चक्कर आता है। वो देखो अंदर उसने कप रखे हुए हैं बहुत सारे, ओके। तो इसने अल्कोहल ज़्यादा चढ़ाई हुई है, तो हम लोग ओके वहाँ पे क्या चक्कर है, क्या हुआ सर, क्या किसी ने गाड़ी चोरी करने की कोशिश की? नहीं, आई डोंट थिंक सो। वो बंदा भाग रहा है बट थोड़ा जल्दी में चल रहा है, कोई नहीं देखते हैं बाद में। ओके सर जी, आपने अल्कोहल पिया हुआ है, तो हम लोग उसको क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हैव यू बीन ड्रिंकिंग सर? नो आई हैवंट हैड एनीथिंग टू ड्रिंक, ये झूठ बोल रहा है। हैव यू डूइंग एनी लेटर? ओके ठीक है। वेयर डिड यू कम फ्रॉम सर? फ्रॉम हेल। वाह भाई कैसे सर जवाब दे रहा है भाई ये बंदा। वेयर आर यू हेडेड सर जी? गोइंग टू माई फ्रेंड्स होम। ये टाको लेके फ्रेंड होम पर जा रहा है क्या? ठीक है भाई, हमको ना सर जी आपको साइटेशन देना तो है, बट सर जी आप बाहर निकलिए पहले गाड़ी से। थैंक यू। सर जी आपका क्या सीन है कि आपने ना भाई यहाँ पे दिक्कत दिया हुआ है, तो आप तो पहले तो अल्कोहल चढ़े हो इसलिए आप नहीं, क्यों ना अल्कोहल से गाड़ी नहीं चला सकते। तो मैं आपके लिए टो सर्विस मंगवा देता हूँ, आपकी गाड़ी को हम लोग को ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और अपना टो ट्रक यहाँ पे ये टाको गाड़ी को लेके चला जाएगा, ठीक है। अभी सर आपका क्या सीन है कि सर आपके लिए ना हमको एस्कॉर्ट गाड़ी बुलवा लेते हैं हम लोग आपके लिए, आप चले जाओ।
क्योंकि मैं आपको अरेस्ट तो नहीं कर सकता क्योंकि आपके सभी डॉक्यूमेंट सभी बराबर है, बट आपके लिए मैं एक टैक्सी ले जाना चाहूँगा। देखो भाई अपना टो टॉक जो आ गया और वो देखो अपना टाको टॉक लेके जा रहा है, तो हम लोग ना इस सर के लिए अभी उबर बुलवा रहे हैं, टैक्सी बुलवा रहे हैं, ठीक है। ये देखो टैक्सी भी यहाँ पे आ जाएगी, तो सर जी को फिलहाल तो हमने जाने दिया है ऐसे ही। और ये देखो उसका ये टो टॉक जो हमने मंगवाया वो भी जा रहा है। एक और चीज़ में आपको, ये देखो अपनी टैक्सी भी पीछे से आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी पेड़ को रोकना चाहो तो आपको उसके पास जाना है और डबल बार ई दबाना है, ठीक है। ये मैंने डबल बार ई दबा इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रोक दिया, ठीक है। अभी मैं इसको मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि भाई तू रुको, ये क्या हुआ चक्कर, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा कि डू यू हैव एनी अरेस्ट वारंट सर जी, मे बी फ्रॉम अनदर स्टेट, डू यू लिव इन दिस नेबरहुड सर, वाई आर यू सो क्यूरियस, वॉट आर यू डूइंग सर, आई चूज नॉट टू आंसर। ये बहुत एरोगेंट बंदा है। ओके काम करते हैं, चल भाई। You're mine now. अभी एक चीज मैं बताता हूँ, एक शॉर्टकट की अगर हम बात करें ना, तो एक शॉर्टकट की मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी बंदे के या किसी गाड़ी के नजदीक हो और आपको मेन्यू के अंदर नहीं जाना और चेक करना है उस गाड़ी को या बंदे को, तो आपको सिंपली उसके पास जाना है और F10 की को प्रेस करना है, जिससे हमारे यहाँ पे पैट डाउन इन प्रोग्रेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से ये इसका हमने चेकिंग किया, और इसके पास भाई ये देख देख तो भाई इसके पास क्या मिला भाई हमारे, बढ़िया चीज़ की भाई हमने इसको अरेस्ट करके। एनीवे चलो भाई इसके लिए ना हम लोग मंगवा लेते हैं, ये रहा प्रिजन ट्रांसपोर्ट मंगवा लेते हैं इसके लिए। तो भाई सर जी आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किसने दी भाई, आप तो अपने जेब में भाई कोकीन लेके घूम रहे हैं। हाँ कोकीन लेके घूम रहे हैं। एनीवे गाइस, तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो आपका स्टॉप द पैड आई होप उम्मीद से भाई चल चुका होगा आराम से बिना किसी दिक्कत के। अगर आपको स्टॉप द पैड इंस्टॉल करने में कोई भी दिक्कत हुई हो, मेक श्योर यू कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको इंस्टॉल हो चुका है कि परफेक्टली वर्क कर रहा है तो भी आप कमेंट करके बताओ, जिससे भाई मेरे वीडियो को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। ऑल्सो गाइज मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, 30 लाइक्स का मैं एम रख रहा हूँ भाई, 30 लाइक्स का, 1K सब्सक्राइबर में खाली 30 लाइक्स का मैं एम रख रहा हूँ, तो भाई 30 लाइक्स तो हो ही जाने चाहिए यार वीडियो के ऊपर। तो इसी के साथ गाइज हम लोग मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक स्टे सेफ, कीप गेमिंग एंड कीप सपोर्टिंग दिस चैनल।